अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। जी, मैं बना रही हूँ पोटे। वैसे तो मैंने बनानी थी पोटों की बिरयानी, जो आप सब ने पहली दफ़ा ये सुनी होगी। इंशाल्लाह मैं पोटों की बिरयानी भी बहुत जल्दी ले कर आऊँगी। तो जी, ये मैं बना रही हूँ मुर्गी के, ठीक है। इनको मैंने काट लिया है, इन पीसेज में काट लिए छोटे छोटे, अच्छी तरह वॉश कर लिए है। फिर इसके बाद जो है, ये जो मसाला है, ये देखें, ये जो मैं हरी मिर्चों में बना रही हूँ ये सालन, ठीक है, हरी मिर्चों में बनेगा, पुदीना और धनिया भी जाएगा इसमें। और ये जो है, मैं मसाला जग में आप ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी मोटा मोटा करके। फिर आप देखें ये हमारा सालन किस तरह तैयार होता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अब इसको हम मसाले को पीस लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा मसाला जो है वो इस चक्कर है, हमने पीस लिया मसाला। ठीक है, हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज हमारे पीस चुके हैं, हमने इनको पीस लिया है। में हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है इसको मैं, हाँ जी, पहले तो हम जो है ये देखें, पोटों को हम फ्राई करेंगे, मुर्गी के पोटे, इनको हम फ्राई करेंगे पहले। हाँ जी, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। हम इसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ी आँच तेज़ करते हैं। आँच हमें तेज कर दी, चूल्हा देखिए बहुत ख़राब हो रहा है। ये देखिए, हाँ जी, तो भाई ये जो है इनमें से खुशबू आने लग गई है, अब इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए जी, इनको मैंने निकाल लिया फ्राई होने के बाद। अब जो है आयल में हम डालेंगे मसाला। हरी मिर्चों में बनाएंगे हम। ये वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह बने हैं और किस तरकीब से बनाने हैं, ठीक है। और गाइस, जिस जिस को पोटों की बिरयानी चाहिए, पोटा बिरयानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं बहुत जल्द फिर लेके आऊँगी पोटा बिरयानी। ठीक है गाइस, हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है ना हम डाल देंगे फ्राई पोटे। इसमें जो है, हाँ जी, इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और
ये है जीरा पिसा हुआ, ठीक है जी। इसको जरा मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम डालेंगे जो अहम चीज़ है जिससे स्मेल चली जाती है, जायका अच्छा हो जाता है, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। जिसको छोटा बिरयानी चाहिए सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, फिर मैं आप लोगों को जल्द ही लेके आऊँगी आप लोगों के सामने ये रेसिपी। गर्मी बहुत हो रही है यार, आयल जो था इसमें से निकाला था वो मैं डाल दूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह भून के फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने जो है पानी ऐड कर दिया, ये अच्छी तरह गल जाएंगे, बिल्कुल भूने भूने होंगे तो फिर मैं इनको उतारूंगी, ठीक है। अब ये गलने के लिए मैंने पानी इसमें डाल दिया है। चलें जी, अब इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, ठीक है। अब इसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। ये देखेंगे पानी कुछ होने लगा है हमारा, अभी कुछ होता है फिर आपको दिखाती हूँ। बस तैयार होने वाले हैं, हाँ जी। तो ये देखो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, तैयार हो चुका है सालन जी हमारा। हाँ जी, ये देखें जी हमारे मुर्गी के पोटे तैयार हो चुके हैं, पोटों का सालन। और इसी के साथ फिर हमें इजाज़त दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पूरी देखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए जी, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, जिस चीज़ रेसिपी अच्छी लगी है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक भी ज़रूर किया करें प्लीज़। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।